भारतीय जनता पार्टी के नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हजारीपुर स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, सदर लोकसभा के प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में बूथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजकों ने मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ का माल्यार्पण करके स्वागत किया। नगर विधानसभा के बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्यकर्ता पूरी तरह तैयारी के साथ बूथों पर लग जाएं। सीएम योगी ने कहा कि अगर बूथ जीत गए तो चुनाव जीत गए, इसलिए बूथों को सक्रिय किया जाए तथा निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को हटाकर दूसरे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसी के साथ वोटर पर्ची को घर घर पहुँचाया जाए, ईवीएम के प्रतीकात्मक चित्र के माध्यम से प्रत्याशी के क्रम को और चुनाव चिन्ह कमल को बताया जाए। सीएम योगी ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। अगर महानगर में मतदान 70% हो गया तो सिर्फ सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के 1.5 लाख मतों से बढ़त मिल जाएगी। योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार के विकास परक योजनाओं की सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल करें और लिखें, बदल रहा है गोरखपुर और हंसिए, आप गोरखपुर में हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने 10 मई को अभिनंदन इंटर कॉलेज असरन चौक में होने वाले जनसभा में तथा 14 मई को महानगर में होने वाले रोड शो में भारी संख्या में भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सम्मेलन को नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल और सदर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला ने भी संबोधित किया। एक ही समर्पण, एक ही निष्ठा, एक ही साहस, आपके लिए संघर्ष का दिन होगा। एक के घर में पहले भी आप पहुंच चुके हैं, पर्चियां भी आप पहुंचा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का साहित्य भी आप पहुंचा चुके हैं, कार्यकर्ता के साथ भ्रमण कर चुके हैं, प्रत्याशी आपके बीच में जा चुका है। 17 और 18 आपके लिए अंतिम युद्ध का दिवस होगा। मेरी आप सबसे उम्मीद नहीं बल्कि मैं जानता हूं आपको काम किए बिना स्वयं ही चयन नहीं मिलेगा। मुझे विश्वास है कि 17 और 18 जब प्रचार बंद होगा, एक एक घर, एक एक गली, एक एक नागरिक और वोटर के घर जाकर के शांति के साथ आप भारतीय जनता पार्टी का मंत्र उनके कान में फूंकने का और 2019 के चुनाव को ऐतिहासिक तरीके से विजयी बनाने का काम करेंगे। पांचों विधानसभा से हमारी जीत होगी, लेकिन हमारी लड़ाई दूसरी होगी। दोस्तों, हमारी लड़ाई लोकसभा जीतने की नहीं है, हमारी लड़ाई पांचों विधानसभा में सबसे अधिक वोट पाने की है, सबसे अधिक मार्जिन से चुनाव जीतने की है। और मुझे विश्वास है एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, संख्या से ये पता चल रहा है जहां जहां महाराज जी ने बूथ सभाएं ली, संख्या ऐसी रही। और उसका इस उत्तेजना से इससे ये पता चलता है कि कितनी कर्मठता के साथ कार्यकर्ता ये संगठन, जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का, हिंदू युवा वाहिनी का, ये संगठन इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है कि पूरे देश को पता चल गया है कि गोरखपुर में एक एक कार्यकर्ता अपनी जान दे रहा है 45 डिग्री टेम्परेचर में, और इस चुनाव को एक ऐतिहासिक मोड़ पर ले जा रहा है।
तो मैं आप लोग आशीर्वाद मुझे जो दे रहे हैं पूज्य महाराज जी द्वारा जो मुझे मिला, मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं, और आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग जीत रहे हैं, लेकिन वो जीत कितनी प्रचंड होगी वो बातें पूज्य महाराज जी आपको बताएंगे। हर हर महादेव। भारत माता की गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। पूज्य योगी महाराज की जय। गोरख कार्यकर्ता भाई बहनों, विधानसभा स्तर की तीसरी बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे पास जो समीक्षा के बाद आंकड़े आए हैं कि नगर विधानसभा क्षेत्र के जो चार मंडल हैं उनमें गोरखनगर मंडल में 127 में से 124 की उपस्थिति है, राप्ती नगर में 125 में से 121 की उपस्थिति है, मालवीय नगर में 114 में से 111 की उपस्थिति है, और दीनदयाल मंडल में 97 में से 94 की उपस्थिति है। ये जो उपस्थिति है जो अभी लगभग 15 बूथ ऐसे हैं जिनमें वहाँ का बूथ अध्यक्ष या उस बूथ से जुड़े हुए कोई भी पदाधिकारी की उपस्थिति यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले अध्यक्षों की हो रही है, बूथ अध्यक्षों के साथ हम लोगों का इसके बाद बैठना चुनाव तक नहीं हो पाएगा, इसलिए सबसे पहले इस नगर मंडल से जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी हैं और महानगर के अध्यक्ष भी, नगर विधानसभा के संयोजक भी, प्रभारी भी, प्राथमिकता के आधार पर आज सायंकाल तक इन बूथों को फिर से सक्रिय कर दें या पुनर्गठन उनका कर दें। अगर वहां पर कोई कार्यकर्ता कार्य करने के लिए निष्क्रिय है तो उसकी समस्या का समाधान करें, और अगर वह कार्य करने में असमर्थ है या गठन नहीं हुआ है, हर हाल में आज सायंकाल तक उनका गठन हो जाए और उनको हर हाल में सक्रिय करके बूथ चुनाव लड़ने की हमारी सबसे प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत इकाई है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ को अगर आपने जीत लिया तो मान के चलिए कि आपने चुनाव जीत लिया। और मैं इसीलिए इस बात को कहूंगा, अक्सर मैं इस बात को देखता हूं कि हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी या अन्य स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता होता है अपने बूथ पर कार्य करने की बजाय बूथ का कार्यकर्ता सेक्टर में या मंडल में या विधानसभा में या पूरे महानगर के अंदर घूमता रहता है, कोई फायदा नहीं है। जहां पर आपकी उपयोगिता होगी संगठन वहां पर आपको आमंत्रित कर लेगा। शेष हमारा केंद्र बिंदु हमारा बूथ होना चाहिए। अपने बूथ को हम भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से ये ग्रेड का बूथ कैसे बना दें, जब हम लोग इस बात को लेकर के कार्य करेंगे, मुझे लगता है कि जिस दिन हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता, हर बूथ अध्यक्ष अपने बूथ को केंद्रित करते हुए उस बूथ को मजबूत बनाना, उस बूथ को जीतने की रणनीति के तहत जब कार्य करेगा, तो मुझे लगता है कि अगर आप अपना बूथ जीत गए तो समझ लीजिए कि पूरा चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, और इस कड़ी को ही आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। मैंने 24 अप्रैल को बैठक ली थी पूरे संसदीय क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, और उस बैठक में मैंने कुछ बातें उस समय पदाधिकारियों के सामने रखी थी कि वास्तव में हम लोगों को चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि
जो कार्य वास्तव में बूथ स्तर पर होना चाहिए और उसमें से चार कार्यक्रम मैंने आपको दिए थे जो कल संपन्न हुए होंगे। पहले 27 अप्रैल को हर बूथ पर बैठक करना, मुझे लगता है जो 15 बूथ यहाँ पर नहीं आए हैं उन 15 बूथों की दृष्टि से भी अगर हम इस कार्य को देखेंगे कि बूथ स्तर पर बैठक इसी बात को लेकर के करने पर मैंने जोर दिया था कि अगर हम बूथ की बैठक कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि बूथ में हमारी स्थिति क्या है। बूथ स्तर पर बैठक का उद्देश्य ही मेरा ये था कि एक बूथ में केवल एक कार्यकर्ता को पोलिंग एजेंट के रूप में खड़ा करना मात्र ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता का खड़ा होने का मतलब ही हमारा है कि बूथ की एक टीम बने। एक बूथ पर कितने ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता हम खड़ा कर सकते हैं जो चुनाव की दृष्टि से बड़ी भूमिका का, एक घर घर जाकर के जनसंपर्क करना। पहले चरण में हमने जो हमारे पास चुनाव की सामग्री प्राप्त हुई होगी उस चुनाव की सामग्री को लेकर के घर घर संपर्क करने की पहली रणनीति, दूसरा बैलेट पेपर के नमूने को लेकर के जनसंपर्क करना, तीसरे चरण में परिवार पर्ची या मतदान पर्ची को लेकर के घर घर संपर्क करना और अंततः अपने बूथ की दृष्टि अपनी प्रभावी रणनीति बनाना। नगरीय क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत जितना अधिक होगा, मेरा यह मानना है कि अगर नगर विधानसभा क्षेत्र में आप 70% मतदान करवा देंगे तो अकेले नगर विधानसभा 1.5 लाख की बढ़त अकेले नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को प्राप्त हो सकती है। और पूरे महानगर में अगर हम मतदान के प्रतिशत को 70% तक पहुंचवा दें, यद्यपि ये उससे भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको 70% तक भी मतदान करवा देते हैं कि मान के चलिए कि अकेले नगर विधान अगर महानगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 2 लाख से अधिक की बढ़त अकेले महानगर दे सकता है, और मुझे लगता है महानगर की 2 लाख की बढ़त मुझे लगता है कि चुनाव में विरोधी प्रत्याशी को कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं देगा, और यह एक बड़ा कार्य महानगर के अंदर सबसे बड़ा कार्य ये होना है। और इसीलिए मैंने 27 अप्रैल, 29 अप्रैल, 3 मई और 7 मई ये 4 तिथियां आपको उपलब्ध करवाई थी। 27 अप्रैल को बूथ स्तर पर बैठक होनी थी और मुझे लगता है कि अगर बूथ स्तर की सभी 100% बैठक होती तो ये 13 से 15 बूथों की अनुपस्थिति यहां पर नहीं होगी। और मैं चाहूंगा कि आज सायंकाल तक मंडल अध्यक्षगण, महानगर के संयोजकगण, प्रभारीगण और महानगर के अध्यक्ष भी इसको फोकस करते हुए इन बूथों के बारे में निर्णय ले लें। अब ये औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, कागजी खाना पूर्ति तक ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव अब अंतिम चरणों में चल रहा है। 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 12 तारीख को 6ठे चरण का चुनाव संपन्न होगा और उसके बाद पूरे देश की ताकत 7वें चरण के चुनाव में लगेगी, भारतीय जनता पार्टी भी लगेगी, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग भी अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में लगेंगे। और इसलिए इसको फोकस करते हुए सबसे पहले हमें इस कार्य को करना होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि जब मैंने शुरू में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ कहा कि भाई जनसंपर्क के हिस्से भी हम कुछ कार्यक्रम करें तो मुझे ताज्जुब हो रहा था, लोग कह रहे साहब हमारे पास हैंडबिल नहीं थे, पर्ची नहीं थी, कोई भी इस प्रकार का वो नहीं था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके पास पर्ची नहीं है, हैंडबिल नहीं है, कोई प्रचार सामग्री नहीं है, तब भी घर घर संपर्क करने की दृष्टि से आप लोग जा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि किसी न किसी योजना का लाभ किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति ने लिया है। और मुझे लगता है नगरीय क्षेत्र में हम
लोगों ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों के बारे में भी हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और बड़ा प्लेटफॉर्म किस बात का है? ये बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के सामने इन बातों को प्रभावी ढंग से बोलना। उपलब्धियों को लेकर के महानगर के अंदर, गोरखपुर महानगर के अंदर आपने देखा होगा विगत 3-4 सालों के दौरान जो कुछ व्यापक परिवर्तन देखने को मिला और प्रत्येक महानगर वासी का ध्यान आप उसको आकर्षित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं गोरखपुर में लोग कहते थे क्या एक से गोरखपुर में बन पाएगा, एक प्रश्न खड़ा होता था। आज आप कह सकते हैं कि हाँ गोरखपुर का एम्स बन ही नहीं पाएगा बल्कि गोरखपुर में एम्स ने ओपीडी भी प्रारंभ कर दी है। और यह एक उपलब्धि गोरखपुर के नागरिकों की हो तो गोरखपुर के वासियों को सबसे पहले इसका लाभ मिलने वाला है। दूसरा एक कार्य जिसको आप लेकर के कह सकते हैं, फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था, 1990 में बंद हुआ गोरखपुर का खाद कारखाना, 2016 में पुनः इसको प्रारंभ किया गया, कार्य प्रारंभ हुआ और आज 70% उस पर कार्य पूरा हो चुका है। अगले वर्ष तक गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना जब चलेगा, नौजवानों को नौकरी देगा, पूर्वांचल के किसानों को खाद देगा और एक बार पुनः गोरखपुर के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों के साथ गोरखपुर के समग्र विकास की रूपरेखा लेकर के ये कारखाना आगे जाएगा। बीआईडी मेडिकल कॉलेज जो तम तोड़ रहा था, किस प्रकार की स्थितियां थी गोरखपुर में, उन बीआईडी मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से भी आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं कि कैसे बीआईडी मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम को ध्यान में रखकर के आज नई 8 नई सुपर स्पेशलिटी बीआईडी मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ हुई है। और जिस बीमारी के उपचार के लिए गोरखपुर के वासियों को लखनऊ, मुंबई या दिल्ली जाना पड़ता था, आज उन बीमारियों का उपचार आपको गोरखपुर में ही मिलना प्रारंभ हो गया है। ये उपलब्धियां गोरखपुर के लिए जो मिली हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का विस्तारीकरण या वहां पे बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा का हो, गोरखपुर में बिजली जो पहले 3-4 घंटे बामुश्किल मिलती थी आज गोरखपुर को मिल रही बिजली, या सोशल मीडिया सिटी के अंदर सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते थे, आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते। मुझे लगता है स्मार्टफोन तो आप में से सभी कार्यकर्ताओं के पास होगा, कितने बूथ अध्यक्षों के पास स्मार्टफोन है, मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास में, क्यों आप लोगों के फोन नहीं है क्या? ये जो लोग हैं यहाँ पे, फोन तो सभी के पास होगा और मुझे लगता है कि सभी लोगों के पास फोन होगा। अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए आप जाइए जाकर के एम्स के सामने जाकर के सेल्फी एम्स के सामने उसके गेट के पास लीजिए और फिर उसको अपने मोबाइल फोन पे खूब उसको सोशल मीडिया में उसको वायरल करिए और कहिए कि आप हंसिए गोरखपुर में है, गोरखपुर में बन रहा एम्स। ये एक आपकी नई तस्वीर होगी जिसको आप गोरखपुर के नागरिकों के सामने व्यापक परिवर्तन की दृष्टि से दे सकते हैं। इसी प्रकार से गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना के पास जाइए, बन रहा फर्टिलाइजर कारखाना दूर से लीजिए, बदलता हुआ गोरखपुर, तस्वीर उसके साथ अपनी सेल्फी लीजिए, सोशल मीडिया में भेजिए अपने सभी लोगों के पास, मित्रों सुचिंतकों के साथ, और फिर बदलती हुई गोरखपुर की तस्वीर के साथ इसको भेजिए। आप जाइए बीआईडी मेडिकल कॉलेज में, बीआईडी मेडिकल कॉलेज आज से 5 साल पहले बंद के कगार पर जा रहा था, दम तोड़ रहा था, आशंकाएं होती थी पता नहीं कब बिक जाए, कैसे लोगों ने बेचे नहीं थे कॉलेज बेचे थे, चीनी मिलें बेची थी, प्रदेश की संपत्ति को क्या क्या नहीं बेचा था, इन सब को लेकर के मुझे लगता है हमें कब जाना चाहिए। रामगढ़ ताल में आप जाइए, एक बार रामगढ़ ताल के किनारे खड़े हो जाएंगे और उसकी रेलिंग पे खड़े होकर के सेल्फी लेकर के उसको आप सर्कुलेट करेंगे तो बहुत अच्छी तस्वीर आपकी भी आएगी और जिसके पास आपकी तस्वीर जाएगी वो अपने आप में बड़ी प्रमाणिक और बड़ी प्रभावी ढंग से आपको भी एक नई पहचान दिलाएगी और एक आप कह सकते हैं ये बदलता हुआ गोरखपुर है। आप चाहिए आपको पहले एयरपोर्ट जाने के लिए अगर बाई चांस आपको इमरजेंसी में कोई फ्लाइट पकड़नी है और फ्लाइट पकड़ने के लिए उसी समय
अगर वहां पर आपके सामने कोई समस्या आ गई कि वहां पे नंदानगर में क्रॉसिंग बंद है तो फ्लाइट आपकी छूट जाती थी, आज ऐसी समस्या नहीं, अब अंडरपास भी बन गया है, आप जाइए किसी भी समय। अगर आपको 2 बजे की फ्लाइट पकड़नी है गोरखपुर में, आप 1 बजे भी घर से निकले तो भी आपको वहां पर क्रॉसिंग पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आने जाने के लिए दोनों तरफ से अंडरपास बन चुका है और अंडरपास की व्यवस्था के माध्यम से आप आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। और फिर उसके साथ भी आपको सेल्फी लेकर के देना चाहिए, यानी जहां पे सेल्फी लेकर के आप अपनी एक इमेज दे सकते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे लड़के ऐसी जगह सेल्फी लेते हैं जहां से अगर वो गिरेगा तो फिर हाथ पैर तो जरूर ही तोड़वा देगा, लेकिन ऐसी जगह लीजिए जो आपकी एक रचनात्मक और विकासात्मक तस्वीर को प्रस्तुत करता हो, और उस विकासात्मक तस्वीर को प्रस्तुत करने की ही दिशा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। मैं आपको बताऊं, मैं जब बजरंग बली के मेरे उद्बोधन को लेकर के चुनाव आयोग ने मुझे प्रतिबंधित किया, मैंने कहा भी ठीक है चुनाव आयोग मुझे प्रतिबंधित कर रहा है तो मैं प्रदेश के अंदर जितने भी प्रतिष्ठित बजरंग बली के मंदिर हैं वहां जाकर के दर्शन करूंगा। तो मैंने अयोध्या जाकर के हनुमानगढ़ी में दर्शन करने का निर्णय लिया, और आप आश्चर्य करेंगे कि जब मेरा अयोध्या का कार्यक्रम बन रहा था तो अयोध्या के एक हरिजन परिवार ने मुझे आमंत्रण दिया कि आप अयोध्या आ रहे हैं और अच्छा होता कि आप हमारे घर भी आते। मैं ताज्जुब कर रहा था, मैंने कहा ये व्यक्ति क्यों मुझे आमंत्रित कर रहा है, साधु संत आमंत्रित करें तो अलग विषय। तो मैंने वहां के अपने कार्यकर्ता से पूछा, मैंने कहा जाके पूछो आखिर क्यों मुझे आमंत्रण व्यक्ति दे रहा है, तो मुझे बताया गया कि उसका प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बना है और वो चाहता है कि आवास उसको कभी नहीं मिल पाता, लेकिन उसका ये मानना है कि प्रदेश सरकार ने उसे आवास दिया है और वो चाहता है कि आवास में रह तो रहा है लेकिन आपके बहाने ही सही वह घर भोज कर देगा उस आवास में रहकर, इसलिए आपको बुलाना चाहता है। तो रात्रि को 12 बजे उसका निमंत्रण मिला, मैंने उसको सहमति दे दी, मैंने कहा मैं अयोध्या आऊंगा तो जरूर आऊंगा। मैं उसके घर में गया, अकेले गया था मैं, कितना खुश था वह व्यक्ति। आप अनुमान करिए, अनुसूचित जाति का परिवार है, राजमिस्त्री का काम स्वयं करता है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आपने मुझे क्यों आमंत्रित किया, उसने कहा साहब हम कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमें भी घर मिल पाएगा, लेकिन आज आपकी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझ जैसे गरीब को भी, मुझ जैसे दलित को भी एक आवास दिया है, 2.5 लाख रुपए हमारे स्वीकृत हुए हैं, 2 लाख मुझे मिल गया है, और मैं चूंकि राजमिस्त्री का काम स्वयं करता हूं तो मैंने 4 कमरे अपने स्वयं बना दिए हैं, और इन 4 कमरों के माध्यम से मैं स्वयं अपने घर में भी रह रहा हूं, मेरे परिवार के लोग भी हैं, उसने जो दूर उसकी लड़की ब्याही गई थी उनको भी बुला लिया था। कितना खुश था वो परिवार, कितना प्रफुल्लित था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और मुझे लगता है गोरखपुर महानगर में भी हमने हजारों लोगों को एक एक आवास गोरखपुर महानगर में भी दिया है, अगर केवल उन्हीं परिवारों से आप मिल लेंगे मुझे लगता है कि लगभग आपके महानगर में 35 से 40 हजार वोट केवल उन्हीं परिवारों के आपको बैठे बैठे मिल सकते हैं, बशर्ते उन परिवारों से एक बार संपर्क और संवाद हो जाए। जिन परिवारों में पहली बार आजादी के बाद बिजली चली है, जिन परिवारों में आजादी के बाद पहली बार, जिन परिवारों में पहली बार जिनके घर में रसोई गैस का कनेक्शन चला है, जिन परिवारों को इनकम टैक्स की स्लैब में 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया, कौन मध्यम वर्गीय परिवार ऐसा है जिसको इससे राहत न मिली हो। और अगर महानगर की आप बात करेंगे, व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के इंश्योरेंस की सीमा 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही कर दी है। ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हम एक एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ करके और उसको इसका बिना प्रचार सामग्री के भी हम उसके पास जा करके उसको इन योजनाओं के साथ जोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने 3.55 करोड़ गरीब परिवारों को अंत्योदय या पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड बांटे हैं, और अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड बांटने का परिणाम क्या है कि इस राशन कार्ड का
जिसमें 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल हर परिवार को प्राप्त होता है। कोई परिवार आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि उसके सामने पुख्ता व्यवस्था की गई है आप उसके लिए कि उसको सस्ते में खाद्यान्न प्राप्त हो सके। हर कौन ऐसा परिवार होगा जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाला होगा, लेकिन उस परिवार को आयुष्मान भारत के लिए या तो प्रधानमंत्री जी का पत्र या कार्ड उस परिवार को उपलब्ध न हुआ हो। हर एक परिवार में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले थे, जो इन लोगों को एसईसीसी की सर्वे में जो छूटे हुए थे, उसके बाहर के जो अन्य लोग थे उनको भी हमने उसमें स्टेट से उनको भी कवर किया है। यानी इन योजनाओं को लेकर के भी हम लोगों के पास जा सकते हैं। और अब तो हमारे पास प्रचार सामग्री भी आ गई है, हर कार्यालय में आ गई है। कार्यालय से प्रचार सामग्री हर बूथ पर पहुंचाना और बूथ पर जो 4 चरणों के व्यापक जनसंपर्क की रणनीति थी, उस जनसंपर्क की रणनीति के तहत महानगर के अंदर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और हर बूथ पे एक टीम और उस टीम को 3 कार्यों की दिशा, एक बूथ एजेंट के रूप में कौन दो कार्यकर्ता कार्य करेंगे, बूथ को संभालने वाले बाहर कौन लोग होंगे जो बैग लेकर के मतदाता सूची लेकर के पर्ची लेकर के बाहर बैठेंगे, और कौन टीम होगी जो घर घर जाकर के मतदाताओं को मतदान स्थल पर ला करके समय पे मतदान भी करा सके, क्योंकि मतदान करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है और अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए आवाज उठाना और मतदान स्थल पर समय पर जाकर के मतदान करना, मुझे लगता है हर एक नागरिक को अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना चाहिए। और इस दृष्टि से यह बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का इस सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 27 अप्रैल को बूथ स्तर पर कहां कहां बैठक हुई थी मुझे कुछ बताएंगे आप? नगर विधानसभा में बूथ स्तरीय बैठक 27 अप्रैल को कहां कहां किन किन बूथों में हुई थी, थोड़ा हाथ खड़ा कर दीजिए भैया। बूथ स्तर पर क्या बहुत कम बैठक हुई थी? यहां बैठक नहीं हुई थी, बहुत कम बैठक हुई थी। 29 अप्रैल को बूथ स्तर पर संपर्क कहां कहां हुआ था? घर घर संपर्क करने के लिए कौन कौन लोग गए थे? आराम से बैठ करके कर दीजिए। स्तर पर संपर्क होना था 3 मई को, कल भी फिर बूथ स्तर पर संपर्क होना था। कल बूथ स्तर पर कहीं संपर्क हुआ था? नहीं हुआ, बहुत कम संख्या हुई है। इसको एक बार चेक कर लीजिए, जो बूथ स्तर पर संपर्क की रणनीति बनाने के लिए कहा गया था, जो बूथ स्तर पर उस प्रकार की टीम काम नहीं कर पा रही है, उस निष्क्रिय टीम से कुछ नहीं होने वाला है। महानगर संयोजक कौन है? कौन बता दी? क्या बूथ स्तर की बैठक आप लोगों की सभी संपन्न हुई? तो फिर बूथ स्तर पर संपर्क के कार्य क्यों नहीं हुए? तीन तारीख को 7 तारीख को ये सभी संपर्क बूथ स्तर पर संपर्क होने थे। 3 तारीख को संपर्क पूरे महानगर में हुआ है? नहीं, महानगर में हर बूथ स्तर पर, हर बूथ स्तर पर लोग हैं। एक बार इसको चेक कर लीजिए, इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि बूथ में दायित्व एक भाजपा का एक विद्यावानी का कार्यकर्ता को दायित्व दे, इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है मल जी, आप भी नोट कर लीजिए, यहाँ पर रणंजय सिंह जुगनू को भी नोट कर लीजिए और महानगर अध्यक्ष से भी बात कर लो, 2 कार्यकर्ताओं की टीम बना दो महानगर के अंदर, प्रभावी ढंग से बनाओ इसको, इस तरीके से नहीं चल पाएगा। एक औपचारिकता, कागजी खानापूर्ति बंद हो जाए, एक कागजी खानापूर्ति करना एकदम बंद करो। प्रभावी ढंग से जो कार्य कर सकता हो, व्यापक जनसंपर्क से जो कार्य कर सकता हो, उसी व्यक्ति को दायित्व भी दीजिए और टीम को एकदम तेज कर दे। लोग बैठे हुए हैं संपर्क करने के लिए, हर व्यक्ति जाना चाहता है और हर व्यक्ति कार्य करना चाहता है, और जो कार्य कर सकता है उसको दायित्व देगा। कोई संकोच मत करो इसमें, एकदम कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए एक तो ये, दूसरा 10-11 को
अभी बैलेट 10, 11, 12 में 10 तारीख को हमारी एक सभा भी होगी संभवतः महानगर में। तो महानगर में एक सभा करनी है, कितनी सभाएं करनी इसके बारे में हम चेक कर लेंगे, लेकिन अभी 10 को एक प्रस्तावित की गई है सभा। जो योजना रचना तय होगी उसमें सभा में तो उस दिन सायकाल सभा होगी, लेकिन 10, 11, 12 में बैलेट पेपर का नमूना आया कि नहीं आया, प्रिंट होकर के बैलेट पेपर का नमूना कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी किस सीरियल में है और कब चुनाव चिन्ह के साथ नाम और इस सब होंगे। तो बैलेट पेपर के नमूने के साथ 10, 11, 12 को हर एक बूथ पर, यानी 10 के पहले प्रयास होना चाहिए कि हर एक बूथ सक्रिय हो जाए और 10 तारीख को बैलेट पेपर के नमूने के साथ 10, 11, 12 में हर एक बूथ पर व्यापक जनसंपर्क की एक रणनीति बैलेट पेपर के नमूने के साथ हो जाए। जितने भी पदाधिकारी जिस बूथ के रहने वाले हैं, यानी जो बूथ का महानगर अध्यक्ष जिस बूथ का रहने वाला हो उस बूथ पर जाए, आप जिस बूथ के रहने वाले हैं आप उस बूथ पे जाए, नगर विधायक जिस बूथ पर है उस बूथ पर जाए, महानगर के अंदर महापौर जिस बूथ पे है वे अपने बूथ पर घर घर जाए संपर्क के लिए और बैलेट पेपर के नमूने को लेकर के जाए, जिससे ये पता लग सके कि हम घर घर जा रहे हैं, किसी को ये कहने का अवसर न मिले कि हम लोग हमारे यहाँ कोई आया नहीं। ये संपर्क का माध्यम ही ये है। आप लोग इस चीज को बोल सकते हैं कि भाई प्रत्याशी घर घर जा पाएगा इसकी व्यवस्था बहुत कठिन होती है, संभव नहीं होती। एक प्रत्याशी 5 साल घूमे तब वो घर घर जा पाएगा लोकसभा सीट में, लेकिन लोकसभा चुनाव में हर कार्यकर्ता को स्वयं प्रत्याशी बनना होगा और प्रत्याशी बनकर के प्रभावी भूमिका का निर्वहन करना होगा। और इस दृष्टि से ये सुनिश्चित हो कि 10, 11, 12 को बैलेट पेपर के नमूने के साथ घर घर संपर्क करने की व्यवस्था अवश्य हो जाए। और इसके लिए आज कल में एक बार देख लें सक्रिय बूथों को और ये ग्रेड का बूथ बनाना, निष्क्रिय बूथों को फिर से सक्रिय करने की व्यवस्था करके या पुनर्गठित करके क्या व्यवस्था हो सकती है इसके लिए तैयारी करना। 10 मई के लिए हर वार्ड में साधन वाहन दे करके, हर वार्ड से पूरे महानगर से साधन वाहन दे करके लोगों को सभा स्थल पर आने की व्यवस्था करना और 14 मई को व्यापक रोड शो का कार्यक्रम होना है। एक बड़ा रोड शो गोरखपुर महानगर के अंदर होगा, उसका रूट यहाँ पर संगठन के द्वारा जो तय किया गया होगा उसके अनुसार होगा। तो 14 मई को यह कार्यक्रम होगा, फिर 15, 16, 17 में परिवार पर्ची या मतदान पर्ची एक एक घर में पहुंचाने की व्यवस्था, एक एक घर में और टीम लगा करके एक एक कार्य की मॉनिटरिंग करके, कहीं से आप बीएलओ के चक्कर में मत पड़िए, बीएलओ बांटेगा या कोई और बांटेगा बंद कर दीजिए। ये स्वयं कार्यकर्ता को बूथ स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को स्वयं ये पता लग जाएगा, जब व्यापक जनसंपर्क में 2 बार 3 बार आप जाएंगे पता लग जाएगा कहां पे कौन सी स्थिति है और वहां पे कौन सी रणनीति आपको तैयार करनी है। ये एक कार्य योजना महानगर के लिए हर हाल में 15, 16, 17 में परिवार पर्ची और मतदान पर्ची, महानगर नगर क्षेत्र में मतदान पर्ची की व्यवस्था की गई है। तो मतदान पर्ची हर एक मतदाता की मतदाता पर्ची उस तक पहुंच जाए, उस तक पहुंचाने की व्यवस्था करना और हर हाल में 16-17 में भी हर बूथ पर जिम्मेदार कार्यकर्ता के पास बैग पहुंच जाना चाहिए, पोलिंग बैग भी पहुंच जाए। पोलिंग बैग के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करना कि हर बूथ पे बुजुर्ग, दिव्यांग या फिर दूर के मतदाताओं को लाने की विशेष साधन वाहन की व्यवस्था कैसे हो सकती है इसकी रणनीति भी बना देना। ये सारी चीजें महानगर के अंदर अगर आप कर सकते हैं तो महानगर के अंदर मतदान के प्रतिशत को काफी बढ़ाया जा सकता है। यह प्रतिशत जो अभी 30-35 तक पहुंचता है, मुझे लगता है कि यह प्रतिशत महानगर के अंदर हम लोग इसे बढ़ा करके लगभग 70% तक कर सकते हैं। महानगर में 70% मतदान का मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 2 लाख की बढ़त अकेले महानगर के अंदर से प्राप्त हो सकती है। और इस कार्य को
एक बार आप महानगर के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने के सामने कार्य करें। आज यहां पर महानगर के अंदर जो ये बूथ टीम आई है, मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि 11-12 में 10 तारीख को सायंकाल हम लोग सभा में रहेंगे ही, लेकिन उससे पहले 10 तारीख को प्रातः काल 2 घंटे का समय जरूर, क्योंकि अब ये अंतिम चरण के चुनाव चल रहे हैं। 12 को छठे चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा, 12 तारीख को फिर 19 को सातवें और अंतिम चरण का मतदान होना है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस दौरान जो भी हमारी रणनीति बने अब प्रभावी बने, कागजी खाना मुहूर्त पूर्ति की कतई न बने, और जो कार्यकर्ता कार्य कर सकता उसी को जिम्मेदारी दी जाए। केवल अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ने से नहीं, बूथ पर प्रभावी भूमिका के साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते हुए और उसके सारे दायित्व उन्हें देकर के हर एक बूथ पूरी सक्रियता के साथ कार्य करे और इन संपर्कों के कार्यक्रम को देते हुए आगे बढ़ाएंगे। 10-11-12 10 तारीख को, 11 को, 12 को बैलेट पेपर के नमूने के साथ जो संपर्क होना है नगर विधानसभा क्षेत्र में, क्या ये संपर्क का कार्यक्रम समयबद्ध ढंग से पूरा होगा? क्या भैया आवाज भी नहीं निकल रही है? आवाज नहीं भाई, ये कोई फाड़े से लोग आए हैं क्या? ये कार्यकर्ता हैं। 10-11-12 को जो मैं कह रहा हूं, 10-11-12 को बैलेट पेपर के नमूने, यानी जो ईवीएम का नमूना होगा, ईवीएम नहीं चाहिए लेकिन एक कागज होगा, सादा कागज, उसमें प्रत्याशी का कौन सा सीरियल है, नाम उनका चुनाव चिन्ह के साथ होगा, यह बैलेट पेपर का नमूना होगा। उस नमूने के साथ एक एक घर पर हर बूथ पे संपर्क की रणनीति बनाना। क्या ये रणनीति नगर के अंदर हर बूथ स्तर पर व्यापक संपर्क का कार्यक्रम बन पाएगा? 10 तारीख को बड़ी सभा कहां पे कर रखी है? अभयनंदन में। अभयनंदन में सभा की दिशा से आपकी तैयारी रहेगी? महानगर अध्यक्ष के साथ बातचीत करके वहां पर आने के लिए क्या साधन वाहन की व्यवस्था होगी, उनसे एक बार चर्चा कर लेंगे। और फिर 14 तारीख को रोड शो, बड़ा रोड शो, इतना व्यापक हो कि पूरा महानगर आपके रोड शो के कार्यक्रम में आता हुआ दिखाई दे और हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और देश के अंदर जो गूंज चल रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार, यह भाव हर नगरवासी के अंदर, महानगरवासी के अंदर भी देखने को मिले, इस भाव को एक बार जीवित किए जाने की आवश्यकता है और उस भाव को हर नगरवासी के अंदर हम लोग पैदा कर सके। रोड शो की तैयारी करना, आवश्यकता पड़ेगी महानगर के अंदर 1-2 और सभाओं को हम आयोजित कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 10 तारीख को एक बड़ी सभा होगी, बाकी नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम चल रहा होगा। और आप भी छोटी छोटी मीटिंगें अपने अपने मोहल्ले में, बूथ स्तर पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं इसके बहाने भी अलग अलग तबके के लोगों के साथ बैठने का कार्यक्रम आपका भी व्यापक स्तर पर बन सकता है। फिर इसके बाद 15-16-17 मतदान पर्ची 15-16-17 में आप लोग अपने बूथ के प्रत्येक मतदाता को, यानी जो आपके अनुकूल के सभी मतदाता हैं, उन लोगों को पहले से ही पर्ची देकर के आप तैयार कर पाएंगे ना? क्यों जोर से बोलो, क्या गोरखपुर की आवाज ही नहीं निकल रही है आपके इस, उसके कारण मैं स्वयं, मुझे आपकी आवाज देख करके कभी कभी लगता है कि कितना दब आवाज दबी हुई है, इतना भयभीत क्यों? थोड़ा जोर से बोलिए। 15-16-17 मतदान पर्ची एक एक मतदाता तक पहुंचाने का कार्य आप स्वयं कर लेंगे? मतदाता पर्ची में वो कब तक मिल जाएगी? मिल जाएगी ना, हर हाल में 15-16-17 में कर दीजिए, और उसी दौरान बैग भी लेकर के
17-18 में एक बार मॉनिटरिंग कर लेंगे कहां मिला है कहां नहीं मिला है, और उसको तैयारी करके हर एक कार्यकर्ता आपको ये मान के चलना है कि अपने बूथ में आपकी भूमिका एक सेनापति की होनी है, और सेनापति की भूमिका में आप कार्य कर पाएंगे। तो भाइयों बहनों, आपकी आवाज में काफी वृद्धि हुई है, अच्छा है। और मैं चाहूंगा कि महानगर के अंदर नगरीय क्षेत्र में सोशल मीडिया का उपयोग हम खूब करें। फोन आप सबके पास होगा, फालतू के SMS करने बंद करिए। और जो मैंने कहा केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को, विकास की योजनाओं को, सड़कों को लेकर, फर्टिलाइजर को लेकर, एम्स को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर, रामगढ़ ताल को लेकर के, चिड़ियाघर को लेकर के, आप जाएंगे चिड़ियाघर में और उसमें बाहर से आप एक बार उसकी सोशल मीडिया में को लेंगे, लोगों को पता भी लगेगा ना क्या चीज गोरखपुर में हो रही है, क्या चीजें हैं। ये इन सब कार्यों को लेकर के व्यापक आप प्रचार का एक माध्यम स्वयं बन सकते हैं, और उस प्रचार का माध्यम बनने के लिए आप सभी प्रभावी भूमिका में कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी इतनी बड़ी संख्या में और इतनी जल्दी इतनी सुबह आए हैं, मुझे लगता है पता नहीं इन्होंने जलपान की व्यवस्था की है कि नहीं की है, आप लोग करके नहीं आए होंगे मैं जानता हूं, लेकिन आप करके जाइएगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।